आर्टिकल्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं एवरी वन मलिक दिस साइड और स्वागत है आप सबका बुक्स एंड ब्रेन में तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन इज गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड डैश टाउन तो यहाँ पर ही आपके ऑप्शन हैं फोर ऑप्शन दिए हुए हैं अ द एन द द नो आर्टिकल तो हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा आर्टिकल आएगा जो डैश के बाद वर्ड दिया हुआ तो है तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कंट्री और टाउन तो कंट्री और टाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से आर्टिकल आएंगे तो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू मे वी हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट लंच पर हमारा वर्ड है प्लेजर प्लेजर से पहले क्या आएगा ओ एन द या फिर नो आर्टिकल सो प्लेजर से पहले यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है दो मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट लंच नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री प्लीज गिव इट टू डैश मैन वेटिंग आउटसाइड तो यहां पर मैन के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल आएगा फिर से वही सेम ऑप्शन हैं हमारे पास तो यहां पर हमारा राइट right ऑप्शन बनता है द मैन वेटिंग आउटसाइड अब यहां पर मैन के आगे अ नहीं आया द क्यों आया है क्योंकि आप उसको रेफर कर रहे हो आपको पहले से पता है कि वो वहां पर वेट कर रहा है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट डैश यूनिवर्सिटी जॉब दीज डेज तो यहाँ पर हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हमें फर्स्ट साउंड देखना है क्या है क्योंकि ये क्या है ये है वॉल्स वॉल्स के अकॉर्डिंग हम साउंड देखेंगे यहाँ पर साउंड है यू यू तो यू के अकॉर्डिंग ए एन दो और जीरो आर्टिकल में से क्या आएगा वॉल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाते हैं एन लेकिन यहाँ पर साउंड यू बनता है तो यहाँ पर हम एन बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने एन किस जगह यूज करना है ये हमने अपनी डिटेल वीडियो में किया हुआ है आप आर्टिकल्स की डिटेल वीडियो को जरूर देखें तो यहाँ पर जो एन ऑप्शन है वो कट हो चुका है तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या आएगा अ द या फिर नो no आर्टिकल तो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर आएगा अ टू गेट अ यूनिवर्सिटी जॉब दीज डेज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज़ डैश वन साइडेड स् स्टेटमेंट तो यहाँ पर वर्ड है वन और ये भी फिर से क्या है एक वॉल साउंड है तो हमें सबसे पहले इसका साउंड देख लेना है वन व इसका साउंड यहाँ पर हमें आ रहा है व तो व जो है हमारे वॉल्स में नहीं आता व साउंड नहीं आता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो एन ऑप्शन है हम कट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा दिस इज़ वन साइडेड स्टेटमेंट राइट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 डिट यू सी डैश रिव्यू ऑफ दिस बुक इन डैश इंडियन एक्सप्रेस टूडे अब जैसे ही हमने देखा यहाँ पर एक न्यूज पेपर का नेम है ये हमें क्लियरली मैंशन है कि इसके आगे आ जाता है द बट जो ऑप्शन हैं उसके सेकेंड ऑप्शन सभी द दिए हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम कन्फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे हमें देखना है रिव्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा O आएगा एन आएगा या फिर द आएगा या लास्ट ऑप्शन है नो आर्टिकल तो डिड यू सी द रिव्यू इसका आंसर भी है द हमारा so, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाता है सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन डैश ड्राउनिंग मैन विल क्लच डैश स्ट्रॉ अब ये क्या है ये जो आपको स्टेटमेंट मिली है ये एक प्रोवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग है डूबते को तिनके का सहारा तो यहाँ पर टू वर्ड्स हैं ड्राउनिंग डूबता हुआ और स्ट्रॉ तो इन दोनों के साथ क्या आएगा हमारे ऑप्शन है अ द एन अ, अ, अ या दोनों में आएगा जीरो आर्टिकल सो तो यहां पर हमारे ऑप्शन राइट जो बनते हैं वो आएगा अ, अ, अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच अ स्ट्रॉ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है डार्केस्ट ये कौन सी डिग्री है सबको पता है ये है सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेटली क्या आता है द आता है तो एक आंसर हमें पहले ही पता चल गया द किस किस में दिया हुआ है द यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो द है तो इन दोनों में से ही एक आंसर है द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग सिल्वर से पहले क्या आएगा अ सिल्वर लाइनिंग या द सिल्वर लाइनिंग तो इसका राइट right आंसर है अ द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन डैश जर्नी ऑफ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद डैश सिंगल स्टेप तो यहां पर हमारे वर्ड्स हैं जर्नी और यहां पर है सिंगल सिंगल से हमें पहले ही पता चल रहा है यहां पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल आ जाएगा अ ए और सी यहाँ दो ऑप्शन में ए दिया हुआ है सेकेंड ब्लैंक के लिए सो so, हमें देखना है जर्नी के साथ क्या आएगा जर्नी के साथ क्या आएगा ए एन द में से क्या आएगा सो so, यहां पर आएगा जर्नी ऑफ थाउजेंड माइल्स अ सिंगल स्टेप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ स्ट्राइक डैश आयरन वाइल इट इज हॉट तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन हैं ए एंड द एंड नो आर्टिकल तो यहाँ पे जो आयरन है एक मेटल है तो यहाँ पे आयरन से पहले क्या आएगा तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है द सी इज द राइट ऑप्शन स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन देयर इज डैश ब्रोकन कप ऑन डैश फ्लोर तो इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि फ्लोर पर एक टूटा हुआ कप पड़ा हुआ है तो एक टूटा हुआ कप एक के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंगुलर के लिए अ अ कितने ऑप्शंस में दिया हुआ है यहाँ पर दो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो ए और बी में से एक राइट आंसर है देयर इज अ ब्रोकन कप ऑन फ्लोर से पहले क्या आएगा एन फ्लोर तो नहीं होता है एन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वॉल साउंड नहीं है सो राइट आंसर क्या बनता है राइट right आंसर बनता है द देयर इज अ ब्रोकन कप ऑन द फ्लोर नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ वॉट डैश स्ट्रेंज वे टू बिहेव तो यहाँ पर जो वर्ड है वर्ड है स्ट्रेंज अब स्ट्रेंज भी हमें देखना है कौन सा साउंड आ रहा है स का साउंड आ रहा है स्ट्रेंज तो इसमें सबसे पहले हम एन को कट कर देंगे एन नहीं आएगा क्यों क्योंकि एक वॉल साउंड नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बच गए अ द या फिर नो आर्टिकल सो वॉट डैश स्ट्रेंज से पहले यहाँ पर आ जाएगा अ व्हाट अ स्ट्रेंज वे टू बिहेव जैसे समटाइम्स हम ये भी बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा वॉट अ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन डैश लिटल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है और ये सभी ने सुना हुआ होगा तो यहाँ पर हमारे जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं लिटल लिटल से पहले क्या आएगा और डेंजरस से पहले क्या आएगा तो यहाँ पर हमारा राइट right आंसर बनता है ए अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यस्टरडे वॉज डैश कोल्डेस्ट डे ऑफ डैश ईयर तो यहाँ पर वर्ड है कोल्डेस्ट ई एस टी लग गया तो ये फिर से कौन सी डिग्री है सुपर लेटिव डिग्री है और सुपर लेटिव डिग्री का रूल हमने पहले भी किया है इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा द बिल्कुल श्योर है ये तो यस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट डे ये आंसर हमारा करेक्ट है द कितने ऑप्शन में दिया है ए और सी में दिया हुआ है तो इन दोनों में से एक राइट right आंसर है डे ऑफ डैश ईयर ईयर के आगे क्या आएगा अ ईयर आएगा या द ईयर आएगा यस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ डैश ईयर ईयर से पहले यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा द क्योंकि हमें पता है हम कौन से साल की बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया शेक्सपियर तो शेक्सपियर से पहले यहाँ पर क्या आएगा अ एन द या नो no आर्टिकल एन को हम पहले ही कट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉल साउंड नहीं है तो तीन ऑप्शन है हमारे पास इसमें से राइट right ऑप्शन क्या है नो no आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर अ और द में से क्या आएगा कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो यहाँ पर हमारा राइट right आंसर बनता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन शी ले अनकॉन्शियस फॉर डैश आर एंड डैश हाफ तो यहाँ पर हमारे साउंड्स क्या हैं? आर यहाँ पर आ साउंड है आ के साथ क्या आएगा यहाँ पर एन आएगा फॉर एन आर ये हमें बिल्कुल श्योर है तो एन यहाँ पर कितने ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है बी तो so ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आ जाएगा एंड अ हाफ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डैश मिल्क दैट वॉज इन पॉट हैज बीन स्पेल्ट तो यहाँ पर वर्ड है मिल्क मिल्क के लिए क्या आएगा अ एंड द या नो आर्टिकल सो मिल्क मिल्क में म साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर एन बिल्कुल नहीं आएगा तो हमारा यहाँ पर राइट right ऑप्शन बनता है द द मिल्क वो दूध जो इस पॉट में था अब गिर चुका है तो द यहां पर इसलिए आ गया क्योंकि हम उसे रेफर कर रहे हैं जो पॉट में था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन डैश सोल्जर फाइट्स फॉर डैश ऑनर ऑफ हिस कंट्री सोल्जर के साथ क्या आएगा अ एन या द स से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर एन तो बिल्कुल नहीं आएगा तो बी ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया है तो अ द और जीरो आर्टिकल यहाँ पर क्या आएगा सोल्जर से पहले सोल्जर से पहले यहाँ पर आ जाएगा अ सोल्जर फाइट्स फॉर डैश ऑनर तो यहां पर आप देख लेते हैं अ ओ हमारा करेक्ट है तो ये ए की ऑप्शन में दिया हुआ है और कहीं पर भी यहां पर अ नहीं है तो राइट ऑप्शन इज ए अर फाइट्स फॉर द ऑनर ऑफ हिस कंट्री नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अगेन ये फिर से एक प्रोवर्ब है डैश फ्रेंड इन नीड इज डैश फ्रेंड इन डीड जो जरूरत पड़ने पर काम आए वही एक सच्चा दोस्त होता है तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड की कितने फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर के लिए ए अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड दोनों के साथ यहाँ पर अ आएगा सो राइट ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश हैंकर चीफ इज मेड ऑफ डैश पीस ऑफ क्लोथ तो यहाँ पर हमारा वर्ड है हैंकर चीफ और यहाँ पर है पीस ऑफ क्लोथ हैंकर चीफ के साथ यहाँ पर आ जाएगा अ और अ हमें दिया हुआ है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में अ हैंकर चीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ तो यहाँ पर भी सिंगल पीस की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने लगा दिया अ राइट ऑप्शन इज ए आगे है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल ये हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पर अ अ एन अ द अ या फिर नो no आर्टिकल और अ तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पर वर्ड है गोल्ड गोल्ड से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा और प्रीशियस से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा अब यहाँ पर ग साउंड है तो एन नहीं आएगा तो हमने ये वाला ऑप्शन अपना कट कर दिया तो यहाँ पर जो वर्ड है गोल्ड ये क्या है ये है नाउन और ये कौन सा नाउन है ये है मटीरियल नाउन रूल क्या कहता है कि मटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा मीन्स यहाँ पर आ जाएगा जीरो आर्टिकल सो यहाँ पर हमारा आता है जीरो आर्टिकल गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल अब प्रीशियस से पहले क्या आएगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल और ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर दिया हुआ है जिसमें नो no आर्टिकल और अ हो ये दिया हुआ है हमारा डी में सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नो आर्टिकल और अ दिया हुआ है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल ये आपने याद रखना है बहुत ही कॉमन सेंटेंस है आगे है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं सो ध्यान से पढ़ते हैं डैश बाई साइकिल इज मेड ऑफ डैश स्टील एंड रबर तो यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं वो है बाईसाइकिल स्टील रबर इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पर कौन से आर्टिकल्स आएंगे सो बाईसाइकिल बाईसाइकिल के अकॉर्डिंग क्या आएगा अ एन द या जीरो आर्टिकल जीरो आर्टिकल नहीं आएगा एन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या साउंड है ब साउंड है तो यहाँ पर अ और द में से क्या आएगा यहाँ पर आएगा अकिल इज मेड ऑफ स्टील और रबर स्टील और रबर क्या है ये है फिर से मटीरियल नाउन और अभी हमने क्या रूल किया था इसका मटीरियल नाउन के साथ आता है यहाँ पर जीरो आर्टिकल तो यहाँ पर हम लगा देंगे अपना जीरो आर्टिकल तो अ और जीरो आर्टिकल दो बार कहाँ पर रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है हमारा लास्ट ऑप्शन में सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डैश अम्ब्रेला प्रोटेक्ट सर्स फ्रॉम डैश रेन तो यहाँ पर वर्ड है अम्ब्रेला ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम ए एन दो के यूज में करते हैं तो यहाँ पर क्या साउंड है फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर का साउंड है अ यू साउंड नहीं है यहाँ पर साउंड है अ तो अ जो है हमारे वॉल्स के साउंड में आता है और वॉल्स के साउंड में अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा एन तो हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट आंसर पता चल गया है यहाँ पर आएगा एन एन कितने ऑप्शन में दिया हुआ है ये सिर्फ यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दिया है और ये बिल्कुल करेक्ट है एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन रेन जो है वो है एक अनकाउंटेबल नाउन तो जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ भी आएगा यहां पर जीरो आर्टिकल सो एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश वीट एंड डैश कॉटन आर ग्रोन इन पंजाब तो यहां पर है वीट एंड कॉटन वीट एंड कॉटन ये दोनों ही आपको सबसे पहले ये बताना है ये कौन से नाउन है नाउन आपने अच्छे से किए होंगे नहीं किए हैं तो डिटेल वीडियो में जरूर प्रैक्टिस करें एक ही बार में नाउन आपको पक्के हो जाएंगे तो वीट एंड कॉटन कौन से नाउन हैं ये ये आते हैं मटीरियल नाउन के अंडर तो मटीरियल नाउन जो हमने अभी अभी रूल किया है रूल क्या कहता है रूल कहता है कि मटीरियल नाउन के साथ आएगा जीरो आर्टिकल तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में मटीरियल नाउन है तो यहाँ पर दोनों में ही आ जाएगा जीरो आर्टिकल वीट एंड कॉटन आर ग्रोन इन पंजाब यही हमारा करेक्ट सेंटेंस है और ये आ जाता है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आई लाइक डैश जैम ऑन डैश पीस ऑफ डैश ब्रेड सो so, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास हैं तीन ब्लैंक्स और ये हमारे यहाँ पर तीन तीन ऑप्शंस गिवन है सो so थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन हम इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे आई लाइक डैश जैम तो जैम से पहले क्या आएगा जैम किस तरह का नाउन है आपको पता होगा ये जैम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है अब जो जैम है वो बेसिकली एक जार में होता है तो कैन वी काउंट नो वी कैन नॉट काउंट तो जैम जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो आई लाइक जैम ऑन डैश पीस ऑफ एक पीस की बात हो रही है सिंगुलर चीज के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अ आई लाइक जैम ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो ये ऑप्शन कहाँ दिए हुए हैं जीरो आर्टिकल अ और जीरो आर्टिकल दीज आर गिवन इन लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तरफ शी लाइक्स डैश म्यूजिक वेरी मच तो यहाँ पर जो वर्ड है म्यूजिक म्यूजिक किस तरह का नाउन है म्यूजिक है अनकाउंटेबल या हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं और इन दोनों के साथ ही यहां पर आएगा जीरो आर्टिकल तो शी लाइक्स म्यूजिक वेरी मच राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डैश वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ तो वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स से पहले यहां पर क्या आएगा ये एक जर्नल स्टेटमेंट है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वेजिटेबल की बात नहीं हो रही है तो ये एक जर्नल स्टेटमेंट है और जो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता जैसे वेजिटेबल्स ये डायरेक्ट आएगा वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ इट्स अ जर्नल स्टेटमेंट तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल दोनों ही ऑप्शन में नो no आर्टिकल आ जाएंगे आगे है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट डैश गुप्ता फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर तो, तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स हैं गुप्ता फैमिली और डिनर इनके आगे यहाँ पर कौन से आर्टिकल आएंगे तो गुप्ता फैमिली हम किसी को पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दो ये हमें बिल्कुल श्योर है आगे हमारा वर्ड है डिनर अब जो डिनर है ये हमारा एक रेगुलर मील है और रेगुलर मील कौन कौन से होते हैं रेगुलर मील जो हम डेली खाते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ये तीनों ही हमारे रेगुलर मील हैं रेगुलर मील्स के साथ किसी भी तरह का को कोई आर्टिकल नहीं आएगा ये रूल है तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है द गुप्ता फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू डिनर यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा द और नो आर्टिकल हमें दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर सी में सो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यू मस्ट राइट इन इंक हेयर इज डैश पेन अब यहाँ पर हमारे दो नाउन है इंक इंक किस तरह का नाउन है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है क्या आप इंक को काउंट कर सकते हो नो no, हम काउंट नहीं कर सकते हैं सो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन और सेकेंड जो हमारा नाउन है वो है पेन पेन को क्या हम काउंट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हम रोज देखते हैं कि आज हम अपने बैग में कितने पेन लेके आए हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ आर्टिकल आएगा हेयर इज डैश पेन क्या आएगा यहाँ पर ए एन द क्या आएगा यहाँ पर हमारा साउंड है प के साथ एन तो बिल्कुल नहीं आएगा तो हमारे दो ऑप्शन बचे अ या द तो इसका राइट ऑप्शन है अ यू मस्ट राइट इन इंक हेयर इज अ पेन तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल और अ कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं डी ऑप्शन में जीरो आर्टिकल एंड अ तो आगे हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि आर्टिकल्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डैश के बाद जो भी वर्ड दिया है उसको आपने ध्यान से देखना है कि इनके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस है डैश एम टी वेस्ल मेक्स मच डैश नॉइस तो यहाँ पर है एम टी क्या साउंड है यहाँ पर ए साउंड है एम टी और ये साउंड हमारा कौन सा साउंड है वॉल साउंड है सबको पता है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर एन ये हमें बिल्कुल श्योर है एन एम जो है वो किस तरह का नाउन है तो नॉइस जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे काउंटेबल नाउन में और जो भी हमारे काउंटेबल नाउन है उनके साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो आर्टिकल सो हमारा राइट right आंसर बनता है एन एंड जीरो आर्टिकल और ये दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन में सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन एन एमटीवेसल मेक्स मच नॉइस तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और हमने बहुत सारे रूल्स भी रिवाइज़ किए इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड गेट गुड मार्क्स तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू बाय